बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। और मेरा नाम है उमर अशरफ। एंड यू आर वाचिंग बाइक माइट पीके। और यू नीड टू सब्सक्राइब यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ, हमारा नया चैनल यूनाइटेड ऑटोज का। आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओवर टू उमर भाई। जितनी जल्दी इन्होंने कहा है, मुझ पर एतवार नहीं था, एतवार नहीं था, एतवार नहीं था। फ्लो बन रहा था, मैंने कहा साथ ही बोल दूं मैं भी। तो यूनाइटेड ऑटोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और रिसेंटली हमने अनाउंस किया एक अदद ब्लूटूथ का विनर, और नेक्स्ट टाइम उमर भाई कुछ और एक्साइटिंग चीज़ लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी रिवील करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज उमर भाई, What do you have on the dish for us? उस वो बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने अपने चैनल के ऊपर भी कुछ गिव अवेज अनाउंस किए थे, और लास्ट वीक हम लोगों ने 3 गिव अवेज दिए हैं। और अभी 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर एक 70cc मोटरसाइकिल देना देने जा रहे हैं हम यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ पे। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप भी एलिजिबल हो जाएँ उस लकी ड्रॉ के लिए। ना सिर्फ एलिजिबल हो जाएँ, हो सकता है इट्स यू, हो सकता है कौन विनर होगा हमें नहीं पता। वो कंप्यूटराइज पिक होगी, जो भी पिक होगा वो कंप्यूटर ही करेगा, तो हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं होगा। सारा कुछ फेयर एंड स्क्वेयर आपके सामने होगा, कंप्यूटराइज तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक जो भी विन करेगा उसको हमारी तरफ से इन एडवांस। चलिए उमर भाई, आज आप हमें बता रहे थे क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। आज जनाब हम आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दे रहे हैं अपने शोरूम का, और आपको जो है बताने जा रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट बाइक से। जी तो व्यूअर, सबसे पहले जिस बाइक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ कावासाकी निंजा H2, विच इज़ ड्रीम बाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान। वन ऑफ इट्स काइंड बाइक है ये, वर्ल्ड फास्टेस्ट H2 के बाबू बोला जाता है रोड लीगल के अंदर। और H2R भी माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है तो कि H2 और H2R में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यही आपको व्यूअर्स बताते चलें कि H2R इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ H2। H2 नॉर्मल रोड्स के लिए है, बट H2R कावासाकी ने ट्रैक के लिए बनाया गया है, रेसिंग के लिए बनाया गया है। H2R के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हैं। एक तो उसका वेट इज़ 40 kg लेस देन दिस H2। H2 ऑलरेडी काफ़ी लाइट वेट बाइक है, बट H2R का वेट इससे भी ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद H2R की परफॉर्मेंस इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। H2R के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर होने का रीज़न क्या होता है? H2R के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है इंजन के अंदर, उसका क्रैंक, उसका जो है ना इंजन के पल्ले, उसकी जो है पिस्टन, वो एक डिफरेंट मटेरियल के बनाए गए हैं, विच इज़ ऑब्वियसली मच मोर बेटर देन H2। बट H2 भी किसी से कम नहीं है। इसका अगर ECU फ्लैश कर दिया जाए तो ये भी 400 की स्पीड करते का एलिजिबल है। टॉप स्पीड इसकी 0 to 100 2.6 सेकंड के अंदर H2 करता है। स्पेसिफिक बाइक के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2016 का मॉडल है, फ्रेश इम्पोर्ट ये बाइक है। ब्रॉक्स का इसके ऊपर ओरिजिनल एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है, 2016 का मॉडल है। 2016 और 15 के अंदर कुछ डिफरेंस आया है। सबसे पहले तो इसका फ्रेम का डिफरेंस आया है, 2016 के अंदर सिल्वर फ्रेम आया है, जबकि 2015 के अंदर मेटालिक ग्रीन आया है। फिर उसके अलावा इसके पेंट के अंदर आपको स्पार्कल्स नज़र आ रहे हैं, विच इज़ यूनिक। 2015 के अंदर जो H2 आया है उसके अंदर स्पार्कल्स ग्रीन कलर के हैं, बट इसके स्पार्कल्स मोव से कलर के हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस के बारे में बात करते हैं, इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 67 लाख रुपीज़, 67 लाख रुपये। और डेफिनेटली जो हमारे अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ और बाइक मेट पीके के, इनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी इसके ऊपर हम स्पेशल ऑफर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जी नेक्स्ट बाइक की, दैट इज़ कावासाकी निंजा ZX10R 2015 का ये मॉडल है, एनिवर्सरी एडिशन बाइक है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, स्क्रैचलेस कंडीशन है। हिंडल का इसके अंदर एग्जॉस्ट लगाया गया है, क्रैश गार्ड लगाए गए हैं, फ्रंट वाइजर इसके ऊपर ब्लैक लगाया गया है। और इस बाइक की प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 30 लाख रुपए, 3 मिलियन। इसके बाद बात करते हैं जी सुजुकी हायाबुसा की, 2015 का ये मॉडल है सुजुकी हायाबुसा, और लाहौर का ये बाइक रजिस्टर्ड है। ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट इसके ऊपर सीट इंस्टॉल की गई हैं, बाराकूडा के इसके ऊपर हैंडल बार्स इंस्टॉल किए गए हैं, क्रैश गार्ड्स लगाए गए हैं, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 27 लाख रुपया। इसके बाद आगे बात करते हैं जी BMW S1000 RR की, 2015 का मॉडल है, दिस बाइक इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट।
ये बाइक हमारे एक दोस्त हैं, उनको मुल्तान जा रहे हैं और कल हम इस बाइक को डिस्पैच करने जा रहे हैं मुल्तान के लिए, और इस बाइक की प्राइस डेफिनेटली आप पूछेंगे तो 35,50,000 के अंदर ये बाइक सेल हुआ है। इसके बाद एक और वन ऑफ इट्स काइंड बाइक इन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड, सुजुकी जिक्सर 1 मिलियन एडिशन। पाकिस्तान में बहुत सारे सुजुकी जिक्सर 1 मिलियन एडिशन है, बट दिस वन इज डिफरेंट। इसके अंदर सबसे पहले तो वर्किंग नॉज और एयर शिफ्टर इंस्टॉल किया गया है, गल्फर कंपनी के डिस्क रोटर्स लगाए गए हैं, आफ्टर मार्केट ग्रिप्स लगाई गई हैं, आफ्टर मार्केट लिवर्स लगाए गए हैं, GPR का स्टीयरिंग डम्पर लगाया गया है विच इज़ 20 पॉइंट्स, रिजोमा की का बहुत सारा सामान लगाया गया हुआ है, टैंक लिड रिजोमा की है, एक्सटेंशन लगी हुई है, पिरेली के टायर्स हैं, कंप्लीट हेडर के साथ ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, सिमको कंपनी के इसके अंदर पाइप्स लगाए गए हैं, उसके अलावा इंजन गार्ड, क्रैश गार्ड, दुनिया जहान का सामान है, एंड वी आर आस्किंग जस्ट 28,50,000 रुपीज़ फॉर दिस ब्यूटी। उसके अलावा इसके अंदर ऑटो ट्यूनर भी लगाया गया है, बहुत सा सामान है, मैं अगर इस पर बात करने की स्टार्ट करूँ तो मेरे ख्याल में मेरा 20 मिनट वैसे ही लग जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे जी हम जिक्सर 750 विच इज़ 2015 मॉडल, अनरजिस्टर्ड बाइक है, ब्रॉक्स के एग्जॉस्ट इसके ऊपर लगाया गया है, नीट एंड क्लीन बाइक है, एंड वी आर आस्किंग 22,50,000 रुपीज़ फॉर दिस बाइक। 22,50,000 रुपये का ये बाइक है, 2015 मॉडल जिक्सर 750, मिचलन के ब्रांड न्यू टायर्स हैं, ब्रॉक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन बाइक, एंड वी आर आस्किंग 2250 फॉर दिस बाइक। जिक्सर 750 पाकिस्तान में वन एंड दी ओनली वन है, और ये भी ऑलरेडी सेल्ड आउट हो चुका है। इसमें फैट टायर इंस्टॉल किया गया है, रोलिंग टॉयज की एक्सटेंशन किट लगी हुई है, आफ्टर मार्केट रिम्स लगे हुए हैं, बहुत सा सामान है, एंड इट्स ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट इन 23,50,000 रुपीज़। इसके बाद बात कर लेते हैं जी हम वॉरियर की, विच इज़ रेप्लिका ऑफ डुकाटी, 400 cc के अंदर अपसाइड डाउन शॉक, EFI, वाटर कूल, 160 रेल टायर के साथ, अंडर टेल एग्जॉस्ट, बिल्कुल डिटो है डुकाटी की ये, और 2019 का मॉडल है, रावलपिंडी रजिस्टर्ड है, एंड वी आर आस्किंग 6 लाख रुपीज़ फॉर दिस बाइक। 6 लाख रुपए इस बाइक की प्राइस है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं जी हम यामा R6 की, 2012 का मॉडल है, कॉन एयर एडिशन है, SC का एग्जॉस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है, ओरिजिनल पेंट का नीट क्लीन बाइक है ये, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 15,50,000 रुपये, और ये बाइक लाहौर रजिस्टर्ड है, 2012 मॉडल कॉन एयर एडिशन, बैक टायर इसमें 200 का लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट लिवर्स लगे हुए हैं, SC का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और माशाल्लाह अच्छी कंडीशन का ये बाइक है। जिमको के अंदर हमारे पास 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है, रेड एंड ब्लैक, ब्रांड न्यू 0 मीटर बाइक, 3,50,000 रुपये इसकी प्राइस है, और 200 cc EFI वाटर कूल के साथ। इसके बाद बात करेंगे होंडा CBR 150, 2014 का मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड बाइक, ओरिजिनल पेंट का बाइक, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 4,50,000 रुपये। इसी के साथ CBR 300, 2017 का मॉडल, ABS वर्जन, अनरजिस्टर्ड बाइक है, और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 9,50,000 रुपये है। नेक्स्ट बाइक जो आप देख रहे हैं ये कावासाकी Z1000 का रेप्लिका है, 350 cc के अंदर अपसाइड डाउन शॉक के साथ, वाटर कूल के साथ, ब्रांड न्यू 0 मीटर बाइक, और वी आर आस्किंग 6,50,000 रुपीज़ फॉर दिस बाइक। 6,50,000 रुपये का ये बाइक है। इसके बाद जो आप बाइक देख रहे हैं जी ये है कावासाकी का 650 वर्सेस, और मेरा प्लान है कुछ दोस्तों के साथ एक टूर करने का, तो इसके लिए मैंने बाइक मंगाया है, और एक टूर करने जा रहे हैं इस बाइक के ऊपर। एक बड़ी अच्छी टूरिंग मशीन है, साइड बॉक्सेस हमने इसके भी उतारे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस की कमी है, और 650 cc कावासाकी का इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ये बाइक है, और टूर करने जा रहे हैं, टूर के बाद वापस आके इस बाइक को डेफिनेटली हम सेल भी करेंगे, और इस बाइक की प्राइस आप हमारे से पूछना चाहेंगे तो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ये बाइक है, और इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 13,90,000 रुपये है जी। व्यूअर्स, इसके बाद ये आप एक ट्रिक ट्रेल देख रहे हैं जो कि 110 cc है, और ब्रांड न्यू 0 मीटर है। इस ट्रेल की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं दैट इज़ 2,90,000 रुपीज़, 2,90,000 रुपये। इसके बाद यामा RC का रेप्लिका 250 cc सिंगल सिलेंडर के साथ, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 4,50,000 रुपये। इसके साथ कावासाकी ZX 10R का रेप्लिका 250 cc सिंगल सिलेंडर के साथ, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 4,50,000 रुपये, ब्रांड न्यू 0 मीटर बाइक। इसके बाद वेलेंटिनो 250 सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल के साथ,
इटालियन ब्रांड मेड इन चाइना, वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज बाइक्स इन पाकिस्तान, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 4,75,000 रुपये। इसके बाद बात करते हैं जी हम टेकन 250 की, विच इज़ ए टूरिंग बाइक, 250 cc के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपनी इसकी एक वर्थ है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है टेकन 250 cc, और विद साइड बॉक्सेस इंस्टॉल्ड ऑन दिस। इस बाइक की प्राइस हम 4,30,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। 2019 का मॉडल है, लाहौर रजिस्टर्ड है। इसके बाद चलते हैं जी हम टाइगर शार्क, इस मॉडल को बोला जाता है, ब्रांड न्यू 0 मीटर। इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 4,50,000 रुपये। इसके बाद आप जो बाइक देख रहे हैं यामा R3 का रेप्लिका, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, 2020 का मॉडल है, थोड़ा सा यूज बाइक है, 350 cc, ड्यूअल सिलेंडर वाटर कूल के साथ, और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 4,60,000 रुपये। 4,60,000 रुपये के अंदर ये मोटरसाइकिल आपको 350 cc ड्यूअल सिलेंडर के साथ मिल सकेगा, और डेफिनेटली इसकी साउंड भी काफ़ी बेहतर होती है, 250 cc से आपको साउंड टेस्ट भी इसका करवाते हैं। ड्यूअल सिलेंडर होने की वजह से काफ़ी अच्छी इस बाइक की साउंड है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी हम वेलेंटिनो 250 cc सिंगल सिलेंडर यूज मोटरसाइकिल की। इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 4,00,000 रुपये, और यूज मोटरसाइकिल है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो बाइक आप देख रहे हैं, अगेन ये 250 cc सिंगल सिलेंडर यूज मोटरसाइकिल, 2019 का मॉडल, रावलपिंडी रजिस्टर्ड, और इस बाइक की प्राइस है 3,50,000 रुपये। इसके साथ जो रेड कलर का आप बाइक देख रहे हैं, ये भी सेम पोजीशन है इसकी जी, 2019 का मॉडल, यूज मोटरसाइकिल, 250 cc सिंगल सिलेंडर, 3,50,000 रुपये। इसके बाद जो ग्रीन कलर का बाइक आप देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेडिएटर 200, EFI वाटर कूल के साथ, एक बहुत ही अच्छी मशीन है, और यूज मोटरसाइकिल 3,50,000 रुपये है। आपकी राइट साइड के ऊपर रेड कलर का यूज जिमको 2,25,000 रुपये। इसके बाद कावासाकी निंजा का रेप्लिका 250 cc सिंगल सिलेंडर यूज मोटरसाइकिल, 2,80,000 रुपये, और इसके साथ यामा RC का रेप्लिका 350 cc के अंदर 4,25,000 रुपये के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास स्टॉक है, ये जिस तरीके से एक यूज मोटरसाइकिल अभी आया है, कावासाकी निंजा का रेप्लिका 250 cc फ्रेश मोटरसाइकिल है, ये 3,60,000 रुपये का है। इसी तरीके से आपको ये जो कुछ चॉपर्स नज़र आ रहे हैं, ये ट्रेल्स नज़र आ रही हैं, इस साइड के ऊपर स्कूटी नज़र आ रही हैं, फोर व्हीलर्स हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर हाई स्पीड का कंप्लीट स्टॉक भी नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हाई स्पीड इन्फिनिटी है जो कि 2,20,000 की है। सारी कलर ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी कुछ और स्टॉक हमारा ऑन द वे है, जो इंशाल्लाह आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम दिखाएंगे। और ये आप हमारा यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स, याद रखें यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स, सर्कुलर रोड, रावलपिंडी, आप हमारे शोरूम को विज़िट करें, और इंशाल्लाह आपको स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर किए जाएंगे बाइक मेट पीके की जानिब से और यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स भाई उमर अशरफ की जानिब से। और वंस अगेन आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि हमारा यूट्यूब चैनल यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स भाई उमर अशरफ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कुछ नई वीडियोज़, कुछ नए स्टॉक्स, कुछ नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।